बच्चों हम पढ़ रहे हैं उर्दू कवायद छठी जमात के लिए। मुतजाद अल्फाज, मुतजाद अल्फाज होते हैं इंग्लिश में जिसे आप कहते हैं अपोजिट वर्ड, ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे की जिद हो, मुतजाद अल्फाज के लिए, जैसे नेक का बद, लड़के का लड़की वगैरह। तो चलिए यहाँ कुछ मुतजाद अल्फाज हैं उन्हें पढ़ लेते हैं, जैसे आसान मुश्किल, बेहतर बदतर, रोशनी अंधेरा, महल झोपड़ी, रहम दिल संग दिल, बूढ़ा जवान, इज्जत जिल्लत, होशियार बेवकूफ़, खुश गम, बेशऊर बाशऊर, बातमीज़ बदतमीज़, खुशहाल बदहाल, दोस्त दुश्मन, पीछे आगे, बेईमान ईमानदार, खुशनुमा बदनुमा, उल्टा सीधा, इनकार इकरार, अजल अबद, फराग दिल तंग दिल, शागिर्द उस्ताद, बाकायदा बेकायदा, फरोख्त फरीद, लाफानी फ़ानी, गरम ठंडा, सखी बखी, ज़मीन आसमान, इत्तिफाक ना इत्तिफाक, फतेह शिकस्त, रिहाई कैद, नेकी बदी, नफ़रत मोहब्बत, पीर मुरीद, आना जान। तो ये हमारे मुतजाद अल्फाज थे, इसमें हमने अपोजिट वर्ड सीखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करिए, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आप चाह क्या रहे हैं, कौन से सबक के, कौन सी क्लास के चाहते हैं कि आपके लिए वीडियो बनाई जाए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, और चलिए इसमें आगे पढ़ते हैं। मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ लेते हैं। मुज़क्कर रूलर, जिससे मुराद, जिससे नर मुराद हो, जैसा घोड़ा बकरा मर्द वगैरह। मुअन्नस वो लफ्ज़ जिससे मादा मुराद हो, जैसे घोड़ी औरत बकरी वगैरह। तो यहाँ पे कुछ मुज़क्कर मुअन्नस है, मेल फीमेल, उसे पढ़ लेते हैं। जैसे बाप माँ, बेटा बेटी, लड़का लड़की, भाई बहन, मर्द औरत, ससुर सास, खाला खालू, मामू मुमानी, शायर शायरा, दादा दादी, नाना नानी, राजा रानी, चाचा चची, वालिद वालिदा, शोहर बीवी, दुल्हा दुल्हन, साला साली, मोहतरम मोहतरमा, शहजादा शहजादी, मुअल्लिम मुअल्लिमा, तलबा तालिबात, खादिम खुद्दाम खादिमा, उस्ताद उस्तानी, बादशाह मलिका, बकरा बकरी, नाग नागिन, घोड़ा घोड़ी, शेर शेर, बैल गाय, माली मालन, गवाला गवालिन, मोर मोरनी, पंजाबी पंजाबन, मुर्गा मुर्गी। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे मुज़क्कर मुअन्नस। इसके बाद मुहावरे हैं, इन्हें भी देख लो। मुहावरे के मानी उनके जुमलों में इस्तेमाल करो, जैसे जी लुभाना अच्छा लगना, खूबसूरत चीज़ इंसान का जी लुभाती है, मुँह उतारना मायूस होना, मेरा रिजल्ट देख कर अम्मी का मुँह उतर गया, कीमत चुकाना नुकसान बर्दाश्त करना, मैंने अपनी मोहब्बत की कीमत चुका दी, ख्याली पुलाव पकाना, ऐसी बातें बनाना जो मुमकिन ना हो, मेरा भाई हमेशा ख्याली पुलाव पकाता रहता है, धुन का पक्का होना, इरादे का मजबूत होना, जो इंसान धुन का पक्का है वो कामयाब, ठेस लगना दुख पहुँचना, हमें गरीबों का दुख नहीं दिल नहीं दुखाना चाहिए, उससे उनका दिल को ठेस लगती है। इसके बाद है जी खूँ होना, सख्त तकलीफ़ पहुँचना, औलाद की हरकतों से वालदेन का जी खूँ हो गया, सर न उठाना शर्मिंदा होना, चोरी के इल्ज़ाम में पकड़े जाने पर चोर ने सर न उठाया, अब है हालत गैर होना, खराब हालत होना, काम करते करते मेरी हालत, एहसान धरना, किसी की मदद करके उसे जताना, किसी की मदद करके उस पर एहसान नहीं धरना, दम भरना, किसी के हर वक्त तक तारीफ करना, मेरी अम्मी हमेशा नानी का दम भरती रहती हैं, कमर बांधना, तैयार होना दिलशाद ने इम्तिहान में अव्वल आने के लिए कमर बांधना, हाथ ना आना ना मिलना, वक्त ज़ाया करने वाले हो कुछ भी हाथ, पत्थर पानी होना, बहुत मुश्किल काम आसान होना, इंसान मेहनत करे तो पत्थर भी पानी हो सकता है, जटे उड़ाना, शेखी बगाना, अली का हर वक्त जटे उड़ाने की आदत, नाक में दम भरना, परेशान होना, पड़ोस के बच्चों ने मेरी नाक में दम कर रखा है, सर खाना, बहस करना, सलीम को बिला वजह सर खाने की आदत है,
दाम वसूल करना बहुत ज़्यादा चलना, इस किताब ने मेरे दाम वसूल कर दिए। लेन देन ताल्लुक रखना, दूसरों से मेरा लेन देन अच्छा रहता है। वार खाली जाना, कामयाबी ना मिलना। शेर को मारने में मेरा वार खाली गया। हक मारना, दूसरे का माल दबाना। यतीमों का हक मारना बहुत बड़ा गुनाह है। बिलबिला उठना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। असगर उस्ताद की पिटाई से बिलबिला उठा। 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। सब्ज़ बाग देखना, बहकाना। मैं कभी भी तुम्हारे सब्ज़ बाग देखने में नहीं आऊँगा। कीमत चुकाना, किस्मत बदल जाना। खजाना मिलने पर फ़कीर की किस्मत जाग गई। अच्छे दिन आना, खुशियाँ आना। हरे भरे दिन ख़त्म हो गए। हर बुरे दिन ख़त्म हो और अच्छे दिन आए। पाँव रेंगना, रखना, ऊंचाइयां छूना। मेरे छोटे भाई ने कामयाबी मंजिल पर पाँव रखा है। खींच कर रहना, बच कर रहना। हमें बुरे लोगों से खींच कर रहना चाहिए। दूर दूर रहना, दूर दूर रहना, दूर दूर रहना। हमें अपने हमें अपनों से दूर दूर नहीं रहना चाहिए। दिल तोड़ना, नाराज़ करना। अच्छा इंसान वो है जो किसी का दिल ना तोड़े। नाउम्मीद होना, मायूस होना। किसी काम को करते वक्त नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। दिल मोह लेना, दिल की खुशियाँ देना। छोटे बच्चों की अदाएँ दिल मोह लेती हैं। दिल पसीजना, नरम होना। दिल नरम होना, मकड़ी की बात सुनकर मक्खी का दिल पसीज गया। मुंह खुला रह जाना, हक्का बक्का रह जाना। अजीब व गरीब शेर देखकर बाज लोगों का मुंह खुला रह जाना। हिचकी आना, हिचकी बांधना। बहुत ज़्यादा रोना, अक्सर रोते रोते हिचकी बन जाती है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि कैसी आपको लगती है वीडियो हमारी, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। शुक्रिया।